नवरात्रि का पर्व हो और व्रत उपवास की बात न हो, क्या भला ऐसा हो सकता है? नवरात्रि पर्व आते ही भक्तजन उपवास करते हैं। ऐसे समय में व्रत के दौरान अपने खान पान यानी कि उपवास के दिनों में आपकी क्या डाइट होनी चाहिए, इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं केले के 5 फलाहारी व्यंजन, जो आपकी सेहत के लिए भी है फायदेमंद। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं। लजीज मन भावन बनाना खिचड़ी। सामग्री: आधा दर्जन कच्चे केले, 2 चम्मच राजगीरा आटा, मूंगफली दाने 100 ग्राम, जीरा 1 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, काली मिर्च 5 से 7 बारीक पीसी हुई, हरी मिर्च 4 से 5 बारीक कटी हुई, हरा धनिया, बड़ा आधा चम्मच घी, नींबू, सेंधा नमक स्वाद अनुसार। अब आपको इसे कैसे बनाना है, आइए जानते हैं विधि। सबसे पहले मूंगफली दाने को सेक कर दरदरा पीस ले। कच्चे केले को हल्के उबाल कर छील ले और छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। अब कढ़ाई में आधा चम्मच घी लेकर जीरा फ्राई करे और हरी मिर्च और केले को पीस कर डाल दे। इसे थोड़ी देर पकने दे। अब इसमें दरदरी पीसी मूंगफली डाल दे और सारा मसाला भी डाल दे। अब इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकने दीजिए। तो लीजिए, तैयार है कच्चे केले से बनी लजीज फलाहारी खिचड़ी। हाँ, ध्यान रहे, ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर, केले की नमकीन चटपटी पूरी। इसके लिए आपको चाहिए 3 कच्चे केले, 250 ग्राम सिंगाड़े का आटा, अगर सिंगाड़े का आटा नहीं है तो आप राजगीरे का आटा भी ले सकते हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, चुटकी भर शक्कर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, बारीक कटा हरा धनिया, तलने के लिए घी या तेल भी ले सकते हैं। विधि: सबसे पहले कच्चे केले को आप उबाल ले। ठंडा होने पर छिलके उतार कर हाथ से इसे अच्छी तरह से मैश कर ले। अब एक थाली में सिंगाड़ा या फिर अगर आप राजगीरे का आटा ले रहे हैं तो इन्हें छान लीजिए। उसमें जो हमने आपको मसाले बताए हैं और केले का मिश्रण मिलाएं। इसके बाद आटे को गूंथकर 10 से 15 मिनट कपड़े से ढककर रख दे। अब तैयार आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर पूरियां बेल ले। एक कढ़ाई में घी गरम कर लीजिए। केले की फलाहारी पूरी कुरकुरी होने तक इसे तल ले। गर्मा गर्म पूरी को दही के रायते या फिर हरी चटनी के साथ पेश करे। अब बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर, कच्चे केले की मन भावन चिप्स। सामग्री: आधा दर्जन कच्चे केले, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, सेंधा नमक 1 छोटा चम्मच, आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, तलने के लिए घी अथवा तेल। विधि: सबसे पहले कच्चे केले के छिलके उतार लीजिए। अब एक कढ़ाई में घी या फिर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ले। तेल गर्म होने के बाद किसने के माध्यम से तेल में चिप्स घिसती जाए। चिप्स कुरकुरी होने पर तेल से बाहर निकाल ले। ऊपर से काली मिर्च, जीरा पाउडर और सेंधा नमक आप बुरख लीजिए। ठंडी होने पर चिप्स को एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख दे। फिर घर में बने शुद्ध केले के चिप्स से फलाहार करें। आप चाहे तो ऊपर से सूखा या तला हरा धनिया डालकर भी पेश कर सकते हैं। कच्चे केले की लजीज टिकिया। सामग्री: 5 कच्चे केले, 250 ग्राम उबले आलू, 30 ग्राम कट्टू का आटा, अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच भुना जीरे का पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 100 ग्राम पनीर घी तलने के लिए, सेंधा नमक या फिर नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया, 1/2 कटोरी किशमिश। अब इसे कैसे बनाना है, आइए जानते हैं। पहले कच्चे केले को उबाले, छीले और ठंडा होने के लिए रख दे। अब धनिया, हरी मिर्च और अदरक को बारीक काट ले। उबले केले और आलू का मिश्रण तैयार करके अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया मिला ले। इसमें कुट्टू का आटा, सेंधा नमक, मिर्च और जीरा पाउडर मिलाएं और छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख ले। अब एक दूसरे बर्तन में पनीर को लेकर किशमिश, नमक, अदरक, मिर्च और धनिया मिलाएं। इस मिश्रण को केले के गोले में भरकर टिक्की की तरह हाथ से दबा ले। अब सुविधा के अनुसार इसे नॉनस्टिक तवे पर अच्छी तरह से फ्राई कर ले। फिर गर्मा गर्म टिक्कियों को हरी और मीठी चटनी के साथ पेश करे। कच्चे केले की चटपटी पकौड़ी। सामग्री: 200 ग्राम सिंगाड़े का आटा, 4 से 5 कच्चे केले, 2 हरी मिर्च, सेंधा नमक, व्रत में खाने वाला, अदरक का टुकड़ा, घी या फिर मूंगफली का तेल,
अब इसे आपको कैसे बनाना है आइए जानते हैं। सबसे पहले केले के दो टुकड़े करके छिलके सहित उबाल लीजिए। ध्यान रखें कि केले ज्यादा गलने ना पाए। ठंडे होने पर इनके छिलके उतार कर गोल गोल टुकड़े काट कर रख ले। टुकड़े ज्यादा मोटे ना रखे, इस बात का ख्याल रखे। अब सिंगाड़े के आटे का घोल तैयार करे। इसमें अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्च अदरक काट कर डाले और अंदाज से नमक भी मिला ले। घोल को गाढ़ा ही रहने दे। मोइन के लिए थोड़ा सा घी और तेल घोल में डाल ले। एक कढ़ाई में घी या फिर तेल गर्म कर ले और केले के टुकड़ों को घोल में लपेट कर घी में छोड़ते जाए। दोनों तरफ से कुरकुरे होने तक सेक ले। अब इन पकौड़ों को इमली की मीठी और हरी चटनी के साथ पेश करे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल वेब दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आप अपने सुझाव भी हमें देना ना भूले। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।